नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज। एक खबर निकलकर आ रही है कि मेडिवसल की मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेवा का लाभ अब आरा के हृदय, नस, पेट एवं लिवर के मरीजों को भी। आरा 1 मार्च 2023 मेडिवसल हॉस्पिटल के मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेवा का लाभ अब आरा के हृदय, नस, पेट एवं लिवर के मरीजों को भी मिल पाएगा। न्यू पुलिस लाइन चंदवा मोड़ के पास स्थित हेल्थ हेवन मेडिवसल की सुविधा विस्तार की जानकारी देते हुए मेडिवसल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डॉ निशांत रंजन सिंह, विजय किशोरपुरिया, संस्थापक नवनीत रंजन, जयंत गांधी, भानु प्रताप, डॉ वीना सिंह एवं डॉक्टर कुमार जितेंद्र सिंह ने कही। हेल्थ हेवन मेडिवसल हॉस्पिटल का उद्घाटन औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह के करकमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर सुशील कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा मानवता के प्रति सबसे बड़ी सेवा है। ये हॉस्पिटल रोगियों की सेवा के लिए दिन रात तत्पर है। बहुत कम समय में मेडिवसल की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और मरीजों की सेवा का भरोसा बिहार के मरीजों को मिला है। अब आरा के गंभीर मरीजों को भी यह सुविधा मिल पाएगी। यहाँ विभिन्न प्रकार के जटिल एवं जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं का उपचार संभव हो पाएगा। इस अवसर पर उपस्थित मेडिवसल मल्टी सुपर स्पेशलिटी के को फाउंडर एवं डायरेक्टर नवनीत रंजन, भानु प्रताप एवं हेल्थ हेवन मेडिवसल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कुमार जितेंद्र ने बताया कि पटना के कंकड़बाग डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित मेडिवसल अस्पताल स्थापना के समय से ही मरीजों को उच्च गुणवत्ता का स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा है। अब यहां भी आईसीयू, इमरजेंसी, सुपर स्पेशलिस्ट, ओपीडी प्रारंभ कर दी गई है। आज के कार्यक्रम में मेडिवसल के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर राजेश रोशन, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन डॉक्टर संजय वरुण, क्रिटिकल केयर के डॉ निशांत व डॉक्टर राजकुमार चंदन, डॉक्टर प्रकाश प्रियदर्शी इमरजेंसी मेडिसिन के इस मौके पर उपस्थित थे। कार्डियक, गैस्ट्रो, न्यूरो एवं इंटरनल मेडिसिन की सेवा मिलेगी। आर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, नेफ्रो, कार्डियक के सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक उपलब्ध हैं। हमारा लक्ष्य उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा किफायती दर पर मरीजों को मुहैया कराना है। अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का समाधान अनुभवी चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित टेक्नीशियन की टीम के द्वारा की जाएंगी। उनका ये बयान आया है कि ये सही हुआ है, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून करा रही है। देखिए, अभी सत्ताधारी दल के एक वरिष्ठ मंत्री ने भारतीय फौज के विषय में जो जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मैं उनको दोहरा नहीं सकता, लेकिन ये उन लोगों की सोच को दर्शाता है कि भारतीय सेना के विषय में उनकी क्या सोच है, वो किस तरह की सोच रखते हैं। और ठीक, ये दूसरा एग्जांपल जो आप लोगों ने अभी दिया तो ये बहुत ही निंदनीय है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। फौज के जवान जो कहीं भारत की सीमा पर -50 डिग्री में देश के सीमा की रक्षा करते हैं, वहीं कहीं दूसरी सीमा पर 50 डिग्री प्लस में, यानी प्रचंड गर्मी से लेकर कड़ाके की सर्दी में वो भारत की सीमा की रक्षा करते हैं, उन्हीं के कारण हम यहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन सेना के जवानों या उनके परिवार के लोगों के प्रति किसी तरह का सम्मान नहीं होना, उनके प्रति कोई इस तरह की भावना नहीं होना, और बल्कि कोई उनके प्रताड़ित करे, कोई उन्हें परेशान करे तो कहना कि ये अच्छा हुआ है, ये सोच का सवाल है, ये सोच का दोष है। और कोई भी सभ्य आदमी जो जिम्मेवार नागरिक होगा इस देश का, इस तरह का बयान तो नहीं ही दे सकता। बिहार में जो सर अपराध बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए? अब लगातार अपराधी पे लगाम हो गए हैं, कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं। देखिए, जो सरकार अभी है, जिन दलों की सरकार है, उस सरकार में तो पहले से गुंडा राज था, जंगल राज था, और उसी पार्टी का शासन फिर से आ गया। तो ये तभी बदलेगा जब ये सरकार हटेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में एक हिस्सेदार के रूप में भी थी, उस समय भी लोगों ने देखा है यहाँ किस तरह का शासन हुआ करता था। और जब अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी या एनडीए में और जो दल हैं उनके सहयोग से जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो यहाँ फिर से वो सुशासन गठित होगा जो एक बार 2005 में हुआ था। सर, जीतनराम मांझी एक महिलाओं को लेकर काफ़ी विवादित व्यादियाँ, ये मुझे लगता है कि वैचारिक दिवालियापन है। और जब किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो लोग इस तरह के उल जलूल बातें करते हैं। ये पूरे समाज के प्रति, ये पूरे समाज के प्रति एक बहुत ही निम्न स्तरीय, घाटिया स्तर का बयान है, और पूरा समाज इसको कंडेम करता है। मैं भी कर रहा हूँ,
और इस तरह का किसी भी व्यक्ति को, किसी जिम्मेवार व्यक्ति को इस तरह की बात कम से कम नहीं बोलनी चाहिए। वोट की राजनीति सबको ही करता है, माइलेज सबको ही लेना चाहता है, वोट की पॉलिटिक्स हर कोई कर रहा है, हर कोई पॉलिटिशियन है, बट इस तरह का बयान देना ये कहीं से भी सही नहीं है और बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। सर आखिरी एक सवाल है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा लगातार रामचरितमानस पे हमला बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसमें कूड़ा कचरा साफ कर। देखिए जो खुद ही कूड़ा कचरा हो तो दूसरे का कूड़ा कचरा साफ करने की बात क्या करेगा, मुझे उनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो केवल मीडिया में बने रहने के लिए, चीप पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह का बयान देते हैं। अगर वो इस तरह का उठपटांग बयान नहीं देते तो आप लोग मेरे से इस बयान पर प्रतिक्रिया नहीं मांगते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो स्वयं कूड़ा कचरा हैं। जिस रामचरितमानस मात्र एक ग्रंथ नहीं है, वो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था है और जिस बात का वो कह रहे हैं उसका अर्थ उन्होंने समझा नहीं। अगर वो अर्थ समझ जाए, मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको अर्थ समझा दूँ कि इसका अर्थ क्या है। तुलसीदास जी ने जो कहा है उसके अर्थ और उसके भावार्थ क्या हैं इसको समझ जाते, लेकिन वो समझ कर भी समझना नहीं चाहते, वो केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। जब कोई उठपटांग बात बोलेगा, लीक से हटकर कोई बात बोलेगा तो मीडिया में उसका नाम आएगा, उसका फ़ोटो आप दिखाएंगे, उसकी बात पर आप प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। तो इसी के लिए चूँकि चंद्रशेखर जी एकदम से असंतुलित हो गए हैं, दिमागी तौर पर उनका संतुलन बिगड़ गया है, वैचारिक शून्यता है उनके दिमाग में, इसलिए इस तरह की उलझुल बातें करते हैं। फिर भी निजी अस्पताल को और ऑपरेट करने की जरूरत पड़ रही है, लगातार निजी अस्पताल भी खुल रहे हैं, लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पताल की जरूरत कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो ये तो वक्त की ज़रूरत है ना, तो निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल दोनों जब रहेंगे और खुलेंगे तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो संतुलन होगा। अब केवल सरकारी अस्पताल ही रहेंगे और आज जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से हवा पानी सारा कुछ प्रदूषित है, अन्न फल सब्जियां उसमें मैक्सिमम केमिकल्स और कीटनाशकों का प्रयोग होता है, लोग तो बीमार पड़ रहे हैं, ज़रूरत है। इसलिए मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जितने अधिक अस्पताल खुलें, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो कि निजी क्षेत्र में हो, वो अच्छा है। सर यहाँ जो फैसिलिटी अभी शुरुआत हुई है, इससे गरीब और आम लोगों को, आरा के लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? इससे हर लोग को लाभ मिलेगा, जो जिस लायक होंगे, जिनको जिस सुविधा या जिस फैसिलिटी या जिस तरह की चिकित्सा की आवश्यकता होगी सबको यहाँ उसका लाभ मिलेगा, सबका इलाज होगा, सबकी चिकित्सा होगी। और बहुत जल्दी ही ये हॉस्पिटल पहले से कुछ मामलों में तो आयुष्मान भारत से जुड़ा ही हुआ है, आगे और कुछ और चीज़ों में भी आयुष्मान भारत से जुड़ जाएगा। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पे भारत सरकार ने जो योजना शुरू की है आयुष्मान भारत की, इस हॉस्पिटल के उससे जुड़ जाने से उन गरीबों को भी यहाँ चिकित्सा का लाभ मिलेगा, उनकी चिकित्सा हो सकेगी जो आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं। हॉस्पिटल के साथ आप लोग बताइए, मेडिपर्सन के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है हेल्थ हेवन हॉस्पिटल का, तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम एक टर्सरी केयर आईसीयू का क्रिएट करें जहाँ पर मल्टी ऑर्गन फेलियर, जो बैड इन्फेक्शन जिसको सेप्सिस बोलते हैं, जो रेस्पिरेटरी फेलियर है, जो ब्रेन अटैक के हैं, जो हार्ट अटैक के मरीज हैं, जो रीनल फेलियर के मरीज हैं, वहाँ पर इनको सारी चीज़ सुविधाएँ प्राप्त करें। तो ये इसमें सारी सुविधाएँ होंगी इस हॉस्पिटल में। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास 10 बेड एडवांस आईसीयू है जिसमें मॉनिटर्स हैं, वेंटिलेटर की सुविधा है, डायलिसिस की सुविधा है, हमने कैथ लैब का भी प्लान किया हुआ है, हमारा सीटी स्कैन एमआरआई भी कुछ महीनों में लग जाएगा जैसे बताया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि आरा जैसे शहर से कोई भी पर्सन को किसी की तरह की दिक्कत ना हो, उनको पटना या कोई और बड़े शहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और हम यहाँ पर ही सारा इलाज कर पाएँ। सर पटना जाने की ज़रूरत ना पड़े आप करें, लेकिन आरा में क्या उन्हें, अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो क्या पटना की जैसा ही यहाँ पर कॉस्टिंग रहेगा, उसमें भी कुछ सुविधाएँ मिल रही? नहीं सर, यहाँ पर उससे तो जरूर कोशिश की जाएगी, इससे कम खर्च में ही यहाँ पर कोशिश की जाएगी, बिल्कुल कोशिश की जाएगी। इस पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट होता समय, गोल्डन आवर। थैंक यू। गोल्डन आवर, अगर आप गोल्डन आवर में पहुँचते हैं तो आपके बचने की उम्मीद, चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। होता क्या है, हम लोग वहाँ पटना में देखते हैं कि रात में पेशेंट 2 बजे आया, 2 बजे रात को पेशेंट आता है,
और उसके बाद यहाँ से भाग दौड़ करके पटना जाता है। इस बीच में 4 से 5 घंटे उसके चले जाते हैं और वहाँ जब आता है तो उसका उसकी जो हालत होती है और नाजुक हो जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सही समय पर सही इंटरवेंशन सही स्पेशलिस्ट के द्वारा करें। और कॉस्ट जो है, आप जानते हैं हेल्थ केयर इतना आसान नहीं है। आप जब एक्सपर्ट लाते हैं तो आप उसको पैसे देने पड़ते हैं, सैलरी देना पड़ता है, एक मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आप नहीं करेंगे तो पब्लिक फिर खुश नहीं होगी, उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। मुद्दा यह है कि हम अफोर्डेबल कैसे बनाएं और पटना से कम खर्च पर पटना जैसा ट्रीटमेंट हम आपको त्वरित कैसे दें, जल्दी कैसे दें, ये हमारी चुनौती। सर ऐसा क्या लगा कि यहाँ भाषणबाजी तो एकदम ही नहीं चलेगी? ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह आए हुए हैं। एक इनका परिचय तो ये है, दूसरा ये है कि ये मेरे प्रिय भांजे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोनों भाई साथ आए हुए हैं। वैसे भी हम लोग की संस्कृति में यह कहा गया है कि भांजा देवतुल्य होता है, तो दोनों मेरे जो भांजे आए हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ और शायद सही है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, मन से बोलना कोई गलत नहीं है। तो इन लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मंच पे आसीन डॉक्टर निशांत जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है बेगूसराय में, और इनके पिताजी डॉक्टर नंदिनी रंजन जी जो कि मेरे अभिन्न मित्र या बड़े भाई के समान है, उन्हीं के ये पुत्र हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। मंच पे आसीन है पूर्व विधायक संजय टाइगर जी, कौशल विद्यार्थी जी, और मेरे माता पिता वीना के माता पिता श्री के पी सिन्हा जी, माता जी सरस्वती जी, और सामने सभागार में मैं शायद नाम न ले पाऊँगी या नाम अगर लूँगा तो ये माहौल और गर्म हो जाएगा, इसलिए कि गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। तो कम शब्दों नर्सिंग होम बनवाया उसको ये लोग कार्य स्वरूप और उसमें अच्छी तरह से काम करने के लिए आए हुए हैं, तो इन सबों का भी बहुत स्वागत है। और पूरी टीम इनकी है जिसमें हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और 2-6 महीने के भीतर हम लोग के यहाँ सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब एक टर्म है, मतलब एक बैग सीने में अगर दर्द हुआ तो। अभी हम ये बात करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद है कि 4-6 महीने में बहुत कुछ अच्छा यहाँ करेंगे। और जितने यहाँ बुद्धिजीवी लोग और मीडिया के लोग हैं, आप लोगों का नाम नहीं लिए इसलिए कहीं मेरा फोटो या नाम नहीं छापिएगा, ऐसा मत गलती कीजिएगा, क्योंकि आप सबों का भी बहुत स्वागत है और आप लोगों का बहुत ज्यादा इज्जत हम लोग इसलिए करते हैं कि यहाँ जो 100 लोगों के बीच। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज को फॉलो करें। धन्यवाद। तो